इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को जय जयपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज की गृह ग्राम पेहरित पहुंचकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शहीद दीपक भारद्वाज के परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान बिलाईगढ़ विधायक एवं संसदीय सचिव चंद्रदेव साय, विधायक राम कुमार यादव, केशव चंद्रा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गौरतलब है कि शहीद दीपक भारद्वाज सब इंस्पेक्टर बीजापुर जिला के तर्रेम थाना क्षेत्र के जीवना गुड़ा इलाके क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ के दौरान 3 अप्रैल 2021 को शहीद हो गए थे। वे छत्तीसगढ़ पुलिस में अपनी 8 साल की सेवा पूरी कर चुके थे। छत्तीसगढ़ शासन की नीति के तहत उन्हें आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। आज शहीद परिवार से मुलाकात हुई और श्रद्धांजलि भी मैंने अर्पित की और देश के लिए उनकी शहादत हुई है तो राज्य सरकार की ओर से शौर्य चक्र उन भारत सरकार दे, इसके लिए हमने 3 अक्टूबर को ही अनुशंसा करके भेज दिया है। और दूसरा, यहाँ के जो हाई स्कूल है वो शहीद के नाम से होगा और उसकी जो मूर्ति है वो भी लगाया जाएगा। अब स्थल चयन यहाँ स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग मिल के उसको कर लेंगे। उसी प्रकार से केरा में भी एक शहीद हुआ था, उस स्वास्थ्य केंद्र उसके नाम से करने के आयोजित सब लोगों ने कहा है, उसको भी करेंगे।